गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ओझा स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको विलोम शब्द पढ़ा रहा हूँ, समीक्षा अधिकारी UPSI UPP अधीनस्थ के लिए, इसके पहले फ्रेंड्स मैंने आपको 4 वीडियो करा चुका हूँ और आज हमारा ये 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम 50 प्लस शब्द लिए हैं जिसका आपको हम विलोम कराएंगे। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जोर देखिएगा और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, हमने ये 60 नोट्स बनाया है, आप कोई भी एग्जाम देने जाइए जहाँ पे हिंदी शब्द आता है तो फ्रेंड्स जरूर यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसलिए फ्रेंड्स केवल 10 से 15 मिनट के बीच में हमारा वीडियो रहता है, तो आप यहाँ देखिएगा तो आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। फ्रेंड्स, आइए विलम्ब ना करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड्स, विलोम शब्द आवर्तक। आवर्तक का विलोम विवर्तक और अनावर्तक, ये दोनों विलोम होते हैं। कहीं कहीं विवर्तक दिया रहता है और कहीं कहीं अनावर्तक। यदि आपको आवर्तक आए तो आवर्तक का विलोम विवर्तक और अनावर्तक दोनों याद रखना है। अवार्चनी। अवार्चनी का विलोम क्या होगा? प्राचीन। अवार्चनी मतलब होता है नया और प्राचीन मतलब होता है पुराना। पोषक। पोषक का विलोम क्या होगा? शोषक। परास्त। परास्त का विलोम क्या होगा? विजेता या विजयी। सदाचार। सदाचार का विलोम क्या होगा? कदाचार। दुर्गम। दुर्गम का विलोम सुगम, ये इम्पोर्टेंट ही कई बार आया है, दुर्गम का विलोम सुगम। अनाहूत। अनाहूत का विलोम क्या होगा? आहूत। अवर। अवर का विलोम क्या होगा? प्रवर। अकाल। अकाल का विलोम क्या होगा? सुकाल, ये इम्पोर्टेंट ही कई बार क्वेश्चन आया है, अकाल। अकाल का विलोम क्या होगा? सुकाल। एकाग्र। एकाग्र का विलोम क्या होगा? चंचल। एकाग्र मतलब होता है एक ही जगह स्थान, एक ही जगह ध्यान रखना, और चंचल मतलब इसका मन चंचल हो, एक जगह टिकता ना हो। कल्पित। कल्पित का विलोम क्या होगा? यथार्थ। उर्वर। उर्वर का विलोम क्या होगा? बंजर या ऊसर। आरोह। आरोह का विलोम क्या होगा? अवरोह। संगठन। संगठन का विलोम क्या होगा? विघटन। सत्याग्रह। सत्याग्रह का विलोम क्या होगा? दुराग्रह। संकल्प। संकल्प का विलोम क्या होगा? विकल्प। सहयोगी। सहयोगी का विलोम क्या होगा? प्रतियोगी। दृश्य। दृश्य का विलोम क्या होगा? अदृश्य। क्षणिक। क्षणिक का विलोम क्या होगा? शाश्वत। असीम। असीम का विलोम क्या होगा? ससीम। अनुग्रह। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह। निद्रा। निद्रा का विलोम क्या होगा? अनिद्रा। तेजस्वी। तेजस्वी का विलोम क्या होगा? निस्तेज। ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ। शुष्क। शुष्क का विलोम क्या होगा? आद्र। श्रोता। श्रोता का विलोम क्या होगा? वक्ता। उत्थान। उत्थान का विलोम क्या होगा? पतन। मानवी। मानवी का विलोम क्या होगा? अमानवी। चेतन। चेतन का विलोम क्या होगा? अचेतन या जड़, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में आया हुआ है, चेतन का विलोम अचेतन या जड़। आकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या होगा? विकर्षण। अनुनासिक। अनुनासिक का विलोम क्या होगा? निरनुनासिक। फ्रेंड्स, ये जो अनुनासिक और निरनुनासिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा जो समीक्षा अधिकारी है या कहीं भी हिंदी का जो एग्जाम होता है वहां पर इसकी वर्तनी पूछी जाती है। यहाँ दिया क्या रहता है? निरानुनासिक, जबकि इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? निरनुनासिक। इसलिए फ्रेंड इसको आप वर्तनी और विलोम दोनों जगह इसको याद करिएगा कि अनुनासिक का विलोम क्या होगा? निरनुनासिक, और इसका आप वर्तनी भी देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। उपमेय। उपमेय का विलोम क्या होगा? उपमान या अनुपमेय। कोप। कोप का विलोम क्या होगा? कृपा। कोप माने क्रोध और कृपा माने किसी ऊपर कृपा करना, दयालु बनना। मग्न। मग्न का विलोम क्या होगा? दुखी। वादी। वादी का विलोम क्या होगा? प्रतिवादी। अधम। अधम मतलब दुष्ट, और इसका विलोम क्या होगा? उत्तम। कीर्ति। कीर्ति का विलोम क्या होगा? अपकीर्ति। तुच्छ। तुच्छ का विलोम क्या होगा? महान। नश्वर। नश्वर का विलोम क्या होगा? शाश्वत। चिरंतर का विलोम क्या होगा? नश्वर। विस्तृत। विस्तृत का विलोम क्या होगा? संक्षिप्त। निर्मल। निर्मल का विलोम क्या होगा? मलिन। मसृण। मसृण का विलोम क्या होगा? रुच्छ।
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मत्स्यगंध का विलोम क्या होगा, रुचि, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्वर्ग, स्वर्ग का विलोम क्या होगा, नरक। अति, अति का विलोम क्या होगा, अल्प। अधिक, अधिक का विलोम क्या होगा, निम्न। फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूजन हम लोग क्रिएट होता है जब कभी आता है अति, अति के हम लोग मान विलोम क्या मार देते हैं जल्दबाजी में, न्यून। इसलिए फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना होगा कि अति का विलोम जो होता है अल्प होता है और अधिक का विलोम जो होता है वो न्यून होता है। इति, इति का विलोम क्या होगा, अथ। ग्रहण, ग्रहण का विलोम क्या होगा, अर्पण। सरल, सरल का विलोम क्या होगा, कठिन या जटिल। यस, यस का विलोम क्या होगा, अपयस। संश्लेषण, संश्लेषण का विलोम क्या होगा, विश्लेषण। नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम क्या होगा, कृत्रिम। नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक। अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम क्या होगा, ऐच्छिक। अमावस्या, अमावस्या का विलोम होगा, पूर्णिमा। छली, छली का विलोम, निश्चल। योगी, योगी का विलोम, भोगी। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का विलोम, अनैश्वर। जागृति, जागृति का विलोम, सुसप्ति। राग, राग का विलोम, द्वेष। विराग, विराग का विलोम, अनुराग। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे कंफ्यूजन है, कभी कल राग का हम लोग विराग मार देते हैं जबकि ये गलत है। राग का द्वेष और विराग का अनुराग ये होगा। करुण, करुण का विलोम, निष्ठुर। निष्काम, निष्काम का विलोम, सकाम। विवेकी, विवेकी का विलोम, अविवेकी। कर्मण्य, कर्मण्य का विलोम, अकर्मण्य। गणतंत्र, गणतंत्र का विलोम, राजतंत्र। स्वतंत्र का विलोम, परतंत्र। फ्रेंड्स ये भी आप देख लीजिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, गणतंत्र का क्या होगा, राजतंत्र, और स्वतंत्र क्या होगा, परतंत्र। विनत, विनत का विलोम क्या होगा, उद्धत। मंडन, मंडन का विलोम क्या होगा, खंडन। आस्तिक, आस्तिक का विलोम क्या होगा, नास्तिक। धवल, धवल का विलोम क्या होगा, मलिन। जंगम, जंगम का विलोम क्या होगा, स्थावर। दानव, दानव का विलोम क्या होगा, मानव। अधोगामी, अधोगामी का विलोम, ऊर्ध्वगामी। आदान, आदान का विलोम, प्रदान। अनुकूल, अनुकूल का विलोम, प्रतिकूल। अनंत, अनंत का विलोम, अंत। अगम, अगम का विलोम, सुगम। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का विलोम, अनुत्तीर्ण। उदय, उदय का विलोम, अस्त। इहलोक, इहलोक का विलोम, परलोक। कठोर, कठोर का विलोम, कोमल। फ्रेंड ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, कठोर का विलोम, कोमल। प्रस्थान, प्रस्थान का विलोम, आगमन। श्याम, श्याम का विलोम, श्वेत। कृष्ण का विलोम, शुक्ल। फ्रेंड्स श्याम और कृष्ण इसका भी विलोम देखिए कई बार एग्जाम में है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। श्याम का विलोम क्या होता है, श्वेत, और कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है। इस तरह फ्रेंड्स हमारे ये 60 क्वेश्चन, 60 शब्द तैयार हो गए हैं। और फ्रेंड्स यदि आपको हमारा ये शब्द अच्छा लगे वर्तनी विलोम के, तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।